स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिन स्ट्रीट पे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं वीकली रैप अप। जी हाँ, अगर आपसे कोई क्रिप्टो न्यूज मिस हो गई है इस वीक में तो वो सारी न्यूज हम इस आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात करें FTX एंड अलामेडा फाइल की, तो जो FTX है इस वीक वो तो हेडलाइंस में बना रहा है। इसके अलावा जो हमारे पास खबर आई है वो ये है कि SBF ने CEO से कर लिया है रिजाइन। FTX जैसे कि हमें पता है कि बुरी तरह से कोलैप्स हुआ है और पूरे वीक में इसी की न्यूज चलती रही है, ये हेडलाइन में बना रहा है। और इसी के साथ जो बाकी क्रिप्टो करेंसी के जो प्राइजेस हैं, क्रिप्टो मार्केट के जो प्राइजेस हैं, उनमें भी काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला। FTX ने लगभग सारी क्रिप्टो मार्केट में अपना प्रभाव छोड़ा। हाल फिलहाल में जो खबर है वो ये है कि जो FTX है अब फाइनली उसको अपने जो यूजर्स हैं, उनके जो फंड्स हैं, उनकी जो मनी है जो उन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखी थी वो विथड्रॉ नहीं करवा पा रहे हैं और FTX उनको वो मनी लौटाने में बिल्कुल अनेबल है। तो जिसके चलते वो FTX एंड अलामेडा ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया है। SBF ने भी CEO से रिजाइन कर दिया। खबर थी कि SBF जो है वो एक रेस को कंडक्ट करने वाला है, लेकिन हाल फिलहाल में रेस पीछे रह गया है, उसने रिजाइन कर दिया है। तो जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एंड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में से एक थी FTX, वो मेल्ट डाउन हो चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है। और ये जो कंपनी है 130 इसके एफिलियट्स के साथ इन लोगों ने मिलकर जो चैप्टर 11 बैंक्रप्सी है उसके लिए फाइल कर दिया है US अथॉरिटीज के साथ। इससे पहले सेल्सियस की ऐसी खबर आई थी कि उसने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था। ये दूसरी बड़ी एक्सचेंज है जिसने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया। बाइनांस FTX का एक एक्विजिशन चला इस वीक में जो सुनने को मिला, जिसमें पता था कि जो बाइनांस के जो CEO हैं, जो CZ है, वो जो FTX है उसको एक्वायर करेंगे ताकि उसकी हेल्प की जा सके लिक्विडिटी क्राइसिस से। हाल ही फिर पता चला कि बाइनांस ने डिसाइड किया कि वो कंपनी को एक्वायर नहीं कर रहा है, उसने अपने वर्ड्स से पीछे हट गया वो। और सारा कुछ उसके बाद, जैसे ही बाइनांस की जो ये डील है ये कैंसिल हुई, उसके बाद सब कुछ जो हालात थे, जो FTX की पोजिशन थी, जो कंडीशन थी, वो ज्यादा खराब होती दिखाई दी। टॉम ब्रैडी एंड स्टीव करी से लेकर के ब्लैक रॉक तक काफी इस वीक में न्यूज सुनने को मिली। कुछ FTX इन्वेस्टर्स जो थे और कुछ FTX पार्टनर्स जो थे, उनकी एक न्यूज सामने आई कि FTX जो है उसकी एक लॉन्ग लिस्ट है इन्वेस्टर्स की। काफी सारे इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने इस एक्सचेंज में इन्वेस्ट करा हुआ था, जिसमें इंक्लूड थे कुछ फंड्स जो मैनेज किए जाने थे वर्ल्ड की लार्जेस्ट एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक के द्वारा। ये फंड जो है ये मैनेज होते थे ब्लैक रॉक के द्वारा। और ये जो कंपनी है इसके साथ ही आपको बता दें काफी सारी सेलिब्रिटीज को भी अट्रैक्ट करने में इसने मैनेज किया था इस कंपनी ने, लेकिन हाल फिलहाल FTX को बचाने में वो असक्षम रहे हैं। FTX जो है वो बिल्कुल नष्ट हो चुका है टेरा लूना के बाद। जेपी मॉर्गन की फिर इस वीक की खबर आई कि जेपी मॉर्गन ऐसा सोचते हैं कि जो बिटकॉइन है वो प्लंज कर जाएगा $13 के FTX क्राइसिस को देखते हुए। जेपी मॉर्गन के ओपिनियन की अगर बात करें तो उनका ऐसा ओपिनियन है, उनका ऐसा मानना है कि जो बिटकॉइन का प्राइस है वो $13 के तक नीचे गिर सकता है FTX की क्राइसिस की वजह से, क्योंकि ये जो एसेट है ये ऑलरेडी $15 के तक डिप जो है वो कर चुका है इस वीक में। इतना ज्यादा डिप बिटकॉइन में देखने को मिला है। FTX के से प्रभावित सिर्फ इन्वेस्टर्स और बाकी जो यूजर्स है वो ही नहीं हुए, बल्कि टीचर को भी इसका नुकसान झेलना पड़ा। जी हाँ, इशू जो है FTX के लिक्विडिटी क्रंच का, उसकी भरपाई टीचर को भी करनी पड़ी है। कनाडा के टीचर की जो पेंशन फंड है वो भी उसको काफी ज्यादा नुकसान दे पहुंची है, क्योंकि वो इस एंटिटी में इन्वॉल्व थी जिसने FTX कोलैप्स के बाद अपनी मनी को लॉस्ट कर दिया। तो फंड जो इन्वेस्टेड था, एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट का जो फंड इन्वेस्टेड था इस कंपनी के बीच में $420 मिलियन फंडिंग के दौरान लास्ट अक्टूबर में, उसको भी FTX क्राइसिस की वजह से, जो FTX कोलैप्स हुआ उसकी वजह से नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है, उसने भी अपने फंड को लॉस्ट कर दिया। तो FTX कोलैप्स हो चुकी है, क्रिप्टो मार्केट एक तरह से मैसिव कंटेजियन को फेस कर रही है। अगर इस वीक के रिकैप की बात करें तो FTX जैसे कि आपको बताया कि बैंक्रप्सी के लिए इसने फाइल कर दिया है, SBF ने CEO से रिजाइन कर दिया है, CEO की पोजीशन को छोड़ दिया है, क्रिप्टो मार्केट्स में भी काफी ज्यादा बिलियंस का नुकसान देखने को
मिला। तो जो बीते हुए पिछले 7 दिन यानी कि पिछला वीक काफी ज्यादा इमोशनल, अनएक्सपेक्टेड एंड बहुत ज्यादा डिवास्टेटेड रहे हैं। बहुत लंबे समय से एक जो एक्सचेंज है, इतनी बड़ी एक्सचेंज है FTX ने, उसको चैप्टर 11 बैंकरप्सी के लिए फाइल करना पड़ा है, उसको कहीं से भी हेल्प नहीं मिली है और फाइनली उसने चैप्टर 11 बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया है। और CZ की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी इस डील से पुल बैक कर लिया था, ये कहते हुए कि जो FTX है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकी है और FTX की जो मदद करना है वो उनके लेवल से भी बाहर की बात हो चुकी है, क्योंकि FTX बहुत ही बुरी कंडीशन में फंस चुका है। ऐसे में बाइनांस ने इतना कहकर पुल बैक कर लिया था। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स जरूर आप लोगों से शेयर की जाएगी, क्योंकि बैंकरप्सी प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो चुका है एंड रेलिवेंट अथॉरिटीज जो है वो एडवांस में इसकी जो है वो जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो भी चीजें हैं वो जारी कर चुके हैं। हालांकि SBF ने CEO से रिजाइन कर दिया है, लेकिन बैंकरप्सी 11 फाइल करने के बाद जो भी अपडेशन आएगी वो आपको जरूर यहां से मिलती रहेगी। क्रिप्टो प्राइजेस की अगर बात करें तो BTC का प्राइस आज $16.7K में ट्रेड कर रहा है, यानी कि 17% डाउन में ट्रेड कर रहा है। वहीं इथेरियम भी 19% से डाउन में है, BNB 15% से डाउन में है, XRP 18% से डाउन में है, डोज की अगर बात करें डोज क्वाइन की तो 32% से ये भी डाउन में, डॉट 13% से, सोलाना 46% से डाउन में, यानी कि सारी क्रिप्टो मार्केट जो है वो एक बार फिर से रेड में ट्रेड करती हुई दिखाई दी है। टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आज $880 बिलियन तक कम हुई है, यानी कि लगभग डाउन हुई है $160 बिलियन 7 डेज के अंदर। तो मोर ओवर FTX बैंकरप्सी प्रोसीजर जो है उसमें इंक्लूड है अप्रोक्सीमेटली 130 एंटिटीज जो कंपनी थी जिन्होंने एसोसिएट कर रखी थी कंपनी के साथ, इतने लोग शामिल हैं और अभी मिलकर इन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है। और एक तरह से क्रिप्टो मार्केट में काफी ज्यादा मातम भी छाया हुआ है इस चीज को लेकर के, काफी ज्यादा डर बना हुआ है कि आगे जो इंडस्ट्री है वो कैसे सर्वाइव करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्रिप्टो न्यूज। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आगे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट अपडेट।